अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ ने 8वें प्रदेश की राजधानी रायपुर के धरना स्थल पर शवयात्रा निकालकर सरकार का ध्यान आकर्षण करने का प्रयास किया। 2011 से छत्तीसगढ़ के समस्त शालाओं में 40,301 स्कूल सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनको वर्तमान में महज 2300 प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जा रहा है, जो कि जीविकोपार्जन जो कहेगी भरण पोषण की दृष्टि से बेहद ही कम है, जिसको लेकर लगातार स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्होंने जो 2018 के घोषणा पत्र में वादा किया था अंशकालीन से पूर्णकालीन करने का, उसे जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए। हम लोग निरंतर 117 दिन आज हो चुका है लगातार हड़ताल करते, और आज 117 दिन में भी सरकार हमको, हमारे पास न कोई विधायक न कोई मंत्री नहीं आया, जबकि राजधानी में बैठे हुए तमाम विधायक मंत्री के पास हमने गुहार लगाया, निवेदन किया कि हमको सीएम साहब से मुलाकात करवा दीजिए और हमारी जो मांग है, एक सूत्री मांग जो बहुत छोटी है, अंशकालीन से पूर्णकालीन, उसे पूरा करवा दीजिए। लेकिन तमाम विधायक मंत्री लोग आनाकानी कर रहे हैं, हमको किसी प्रकार से मिलाना नहीं चाह रहे हैं और यही बोलते हैं कि जो भी करेगी सरकार मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ही करेंगे। लेकिन हम निरंतर डटे हैं क्योंकि हमने अपने घर से, अपने परिवार के सामने संकल्प लेके आए हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम घर को वापस नहीं जाएंगे। और हमारी मांग जो है जायज़ मांग है, क्योंकि मैं कहता हूँ 2300 रुपया आज तक छत्तीसगढ़ में क्या पूरे भारतवर्ष में 2300 रुपये मानदेय में कोई भी कर्मचारी कार्य नहीं कर रहा होगा, लेकिन हम 2300 रुपये में एक ही आशा में कर रहे हैं, क्योंकि हम शासकीय स्कूलों में कार्यरत कर्मचारी हैं, आज नहीं तो कल हमारी भविष्य बनेगी, इस लालसा से कार्य कर रहे हैं हम। आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो आगे के कारण हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो जैसे आज के डेट में डी ओ बी ओ प्रधान पाठक प्रचार्य लोग हमको दबाव डाल रहे हैं, अगर आप कार्य पर वापस नहीं आएंगे तो आपको कार्य से वंचित किया जाता है। मैं कहता हूं, इस मंच के माध्यम से ऐलान करता हूं, इस मीडिया के माध्यम से ऐलान करता हूं, आप हमें क्या निकालेंगे, कल के 16 जून को मैं, मेरे कर्मचारी सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं, आप हमको क्या ललकारेंगे, मैं आपको ललकार रहा हूँ इस मंच के माध्यम से। जिस मांग को लेकर यहाँ पे इतनी भीड़ बनी हुई है, हमें पिछले 117 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, कड़ी धूप, इतनी धूप में इतने बारिश हो रही है, फिर भी हम यहाँ से हट नहीं रहे। हमारी एक ही सूत्री मांग है कि पूर्णकालीन से हमको अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए, इसी उद्देश्य से लेके हम यहाँ पे बैठे हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम उग्र आंदोलन तो चालू कर ही दिए, इसके साथ ही साथ हम सामूहिक इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं।